नमस्कार दोस्तों, एडवांस टैक्स का पेमेंट किसी भी इनकम टैक्स पे के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है। क्यों? क्योंकि यदि ये कंप्लायंस आपने प्रॉपरली नहीं करी तो इनकम टैक्स की इस रोड पर बहुत सारे ऐसे खड्डे हैं जहां पर हमारे को इंटरेस्ट के रूप में फिलिंग करनी पड़ेगी। तो हम किस प्रकार एज एन असेसी ये सुनिश्चित करें कि हमारी जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी है वो प्रॉपरली पेड हो जाए, ताकि जो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं नॉन पेमेंट के, उनसे हम बच सके। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों, एडवांस टैक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ताकि एक करदाता स्वयं ये तय कर पाए कि कब उसे एडवांस टैक्स देना है, कितना एडवांस टैक्स देना है, किस प्रकार एक कैलकुलेशन वो स्वयं कर सकते हैं, ये बिंदु लेकर के मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात करता हूं, हु इज लाइबल टू पे एडवांस टैक्स, किसको एडवांस टैक्स देना है। इनकम टैक्स के सेक्शन 208 से बात आपके सामने रख रहा हूं कि एडवांस टैक्स शेल बी पेएबल, यानी एडवांस टैक्स पे करना सर एक कोई डिस्क्रिशनरी नहीं है, आपको पे करना ही पड़ेगा। ये बात समझना किसी भी करदाता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवांस टैक्स शेल बी पेएबल ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। आपको सेम फाइनेंशियल ईयर में, जैसे वित्त वर्ष 22-23 के आप जो इनकम कमा रहे हैं उसका एडवांस टैक्स आपको वित्त वर्ष 22-23 में ही देना पड़ेगा। ये बेसिक एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट है। एडवांस टैक्स शेल बी पेएबल ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एवरी केस वेयर द अमाउंट ऑफ सच टैक्स पेएबल बाय द असेसी ड्यूरिंग दैट ईयर एज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर इज 10,000 रुपीज और मोर। बड़ा सिंपल सा फंडा है सर, कि अगर आपका नेट टैक्स, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सर, नेट टैक्स का मतलब क्या है, आपने टीडीएस की क्रेडिट ले ली, टीसीएस की क्रेडिट ले ली, कोई 90, 90A, 91 की डबल टैक्सेशन से रिलेटेड रिलीफ मिलनी थी वो भी ले ली, कंपनी का केस है तो कंपनी ने मैट क्रेडिट ले ली, इन सब के बाद यदि आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी 10,000 अथवा उससे ज्यादा है तो आपको सर एडवांस टैक्स देना है, नहीं तो आपको एडवांस टैक्स देने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक सबसे पहला पॉइंट किसी भी करदाता के लिए समझना बहुत जरूरी है कि कब उन्हें एडवांस टैक्स देना है और कब नहीं। अब यदि आपने तय कर लिया कि ओके, आफ्टर टीडीएस टीसीएस डबल टैक्सेशन लीक मेरी नेट टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो मुझे एडवांस टैक्स देना है, और कितनी किस्तों में देना है दोस्तों, 4 किस्तें हैं कि ड्यू डेट मैंने यहां पर लिखी, परसेंटेज ऑफ एडवांस टैक्स पेबल कितना है और इंक्रीमेंटल एडवांस टैक्स आपको कितना देना है। फॉर एन एग्जाम्पल, वित्त वर्ष की 15 जून तक आपको जो नेट टैक्स, जिसे मैं एडवांस टैक्स मानूंगा, वो पे करना है, तो आपको 15% उस राशि का एडवांस टैक्स के रूप में 15 जून तक जमा कराना है। इसी प्रकार दोस्तों, कुमुलेटिव 45% 15 सितंबर तक, कुमुलेटिव 75% 15 दिसंबर तक, और कुमुलेटिव 100% राशि आपको 15 मार्च तक जमा करानी है। यानी इंक्रीमेंटली बात करूं तो पहली किस्त में तो 15% दे ही रहे, दूसरी में बैलेंस आपको 30% टोटल टैक्स का, तीसरी में फिर 30% और चौथी में 25%। इस प्रकार आपको इंक्रीमेंटल परसेंटेज में एडवांस टैक्स लायबिलिटी अपनी चुकानी है। अब अपनी बात को और स्पष्ट तरीके से रखता हूं दोस्तों। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करूं कि एक व्यक्ति की एस्टिमेटेड टोटल इनकम है 15 लाख रुपए, अब 15 लाख रुपए पर मान लीजिए मैंने वित्त वर्ष 22-23 के लिए उनका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया तो आया 2,73,000 रुपीज उस टोटल इनकम पर, जिसमें मैंने टैक्स भी जोड़ लिया और जो HEC हायर एजुकेशन सेस लगता है वो भी जोड़ लिया। अगर आप पर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो आप सरचार्ज भी अपनी टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन में जोड़ते हुए चलेंगे। अब TDS इन सज्जन का मान लीजिए 1,73,000 ऑलरेडी डिडक्ट हो गया, अब 1 लाख रुपए इनका नेट पेएबल बचा था। अब हमने बोला कि साहब उन्हें 4 किस्तों में पेमेंट करना है, तो पहली इंस्टॉलमेंट तक उन्हें 15,000, दूसरी तक 45,000, तीसरी तक 75,000 और चौथी तक 1 लाख रुपए जमा कराना है। तो 15,000 सर इन्होंने यहां जमा कराना है, 30,000 यहां जमा कराना है, 30,000 यहां जमा कराना है और 25,000 यहां तक, यानी 15 मार्च तक आपको जमा कराना है। ये एक कंप्लायंस आपको सुनिश्चित करनी होगी। एक और क्वेश्चन दोस्तों मुझसे पूछा गया कि अनूप जी, ये भी तो बताइए कि कौन सी इनकम पर एडवांस टैक्स लगता है। क्या सैलरी इनकम पर एडवांस टैक्स लगता है, हाउस प्रॉपर्टी पर लगता है, बिजनेस इनकम पर लगता है, कैपिटल गेन्स पर लगता है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पर लगता है? तो मेरा बड़ा सरल आंसर है सर कि आप किसी भी हेड ऑफ इनकम से कवर्ड हो, मेड बी इट इज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, है ना, PGBP, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सब पर एडवांस टैक्स के पर्पजेस से सबको आपको अपनी टोटल इनकम की कैलकुलेशन में लाना है। लेकिन आप कहेंगे अनुप जी, मैंने सैलरी पर तो ऑलरेडी TDS कटा लिया, तो ठीक है सर,
आपने सैलरी पे टीडीएस कटा लिया, लेकिन जब आपकी टोटल इनकम की गणना होगी और अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को बाकी की इनकम नहीं बताई, तो आप उस सैलरी इनकम के साथ में अपने सारे बाकी के हेड्स की इनकम को शामिल करेंगे, अपनी ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे, फिर टोटल इनकम निकालेंगे, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आपको निकालनी है। टैक्स लायबिलिटी में नॉर्मल रेट यानी स्लैब रेट का भी कैलकुलेशन है और स्पेशल रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10%, शॉर्ट टर्म पर 15%, जहां पर हम लिस्टेड सिक्योरिटीज में डील करते हैं, उस तरीके से आपको एक प्रकार से सारे हेड्स की इनकम को लेते हुए अपनी फाइनल नेट टैक्स लायबिलिटी निकाल के अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी डिसाइड करनी होगी। अब लाखपति की बात यह दोस्तों कि एडवांस टैक्स हमने सुनिश्चित किया। अब ये जो हमें एडवांस टैक्स तय किया कि ओके मुझे लगता है मेरे 10,000 रुपये उससे ज्यादा नेट में पेबल रहेंगे, तो मैं कैसे तय करूं कि मेरे को एडवांस टैक्स कितना देना चाहिए? तो एक तरीका तो है दोस्तों एडहॉक मैनर में। एडहॉक मैनर में मतलब आप अपने पिछले अनुभव को देख लीजिए कि ओके मेरे को पिछले साल भी एडवांस टैक्स में से फॉर एन एग्जाम्पल लगभग 50,000 रुपये का सेल्फ असेसमेंट टैक्स देना पड़ा था, तो इस साल भी अगर मेरी इनकम इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है तो मुझे 50,000 या उसके ऊपर एडवांस टैक्स देना चाहिए। ये एडहॉक तरीका हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इनकम टैक्स की एक कैलकुलेशन में प्रिसाइसली उतर करके अपनी कैलकुलेशन एडवांस टैक्स की हो सकता है ना कर पाते हो। प्रिसाइस मैनर जो हमेशा एक साइंटिफिक तरीका होगा कि आप चाहे इनकम टैक्स की साइट पर लॉग इन करके अपने इनकम की डिटेल वहां पर दीजिए, इनकम टैक्स में एक कैलकुलेटर आता है कि कैलकुलेट योर टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर, तो वहां आप अपने हेडवाइज इनकम बताइए और अपने डिडक्शंस बताइए, तो आपको इनकम टैक्स में जो टैक्स कैलकुलेटर है वो बता देगा कि ओके इस साल आपकी टैक्स लायबिलिटी सपोज 2.5 लाख आए। अब आपने देखा कि ओके मेरा एम्प्लॉयर तो मेरे से 2 लाख रुपए का टीडीएस काट लेगा, तो नेट फिर मेरे को बाकी का 50,000 एज एन एडवांस टैक्स देना है। और दोस्तों एक बार फिर कह रहा हूं कि एडवांस टैक्स के लिए आपको केवल, क्योंकि अभी मैं 15 दिसंबर के आसपास इस वीडियो को बना रहा हूं, तो मैं 15 दिसंबर को आपको सजग कर रहा हूं, लेकिन आपको ये सजग रहना है अगले सालों में 15 जून से, है ना, कि आपकी पहली इंस्टॉलमेंट आए उससे पहले आपको पेमेंट करना शुरू करना है। सो आपको ईयर के बिगिनिंग में अपनी एडवांस टैक्स की प्लानिंग करनी चाहिए, वो एक सही तरीका होगा। एक बात दोस्तों यहां पर ये और कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए एडवांस टैक्स कंप्लायंस नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा बम फूट जाएगा? तो दोस्तों दो सेक्शन है, सेक्शन 234C एंड सेक्शन 234B, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिए गए हैं। 234C लगता है डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स से रिलेटेड ब्याज। मान लीजिए आपने 15 जून को पहली किस्त तक देना था सपोज 1 लाख रुपए और आपने चुकाया केवल 50,000, तो आपने 50,000 शॉर्ट पेमेंट किया एडवांस टैक्स का। तो अब इस 50,000 पर आपको चाहे आप अगले दिन ही पेमेंट क्यों ना कर दें, 3 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा खतरनाक इंटरेस्ट का तरीका यहां पर आपको मिलेगा। सो 234C। और दूसरा दोस्तों 234B कब लागू होता है? अगर आपने अपनी पूरी एडवांस टैक्स लायबिलिटी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर नहीं जमा कराई 31 मार्च तक, तो 1 अप्रैल से आपका एक मीटर 234B सेक्शन में भी शुरू हो जाएगा। और बहुत से लोग क्या देखते हैं कि जब वो फाइनली जुलाई के आसपास अपनी रिटर्न भरते हैं या किसी का ऑडिट है और वो लेटर 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरते हैं और उनका टैक्स ड्यू होता है वो जो उस समय सरकार को पे करते हैं, तो उन्हें लगता है अरे इंटरेस्ट का भी इतना सारा पेमेंट मुझे करना पड़ा, तो वो इंटरेस्ट का पेमेंट मेनली 234B सेक्शन में ही होता है। तो कहने का मतलब ये है सर कि आप सजग रहें अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी के प्रति, तो आप अपने इंटरेस्ट की जो कॉन्सिक्वेंसेज भुगतते हैं सेक्शन 234B में और 234C में, उससे भी बच सकते हैं। अब किसी ने क्वेश्चन ये किया कि अनूप जी मान लीजिए मैंने एडवांस टैक्स ज्यादा जमा करा दिया तो कोई नुकसान तो नहीं है? बिल्कुल नुकसान नहीं है सर, रादर आपको सरकार ब्याज देगी। लेकिन वो ब्याज कब से देगी? वो ब्याज देगी 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी मैं वित्त वर्ष 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 की बात करूं, और किन्हीं सज्जन को मान लीजिए 1.5 लाख रुपए का एडवांस टैक्स देना था और उन्होंने 2,40,000 एडवांस टैक्स जमा करा दिया, तो 90,000 रुपए ज्यादा टैक्स दे दिया। अब मान लीजिए ये 90,000 रुपए ज्यादा पेमेंट उन्होंने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही जमा करा दिया, तो उन्हें 1 अप्रैल 2023 असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए अगर मैं चर्चा करूं तो वहां से इस 90,000 पे ब्याज मिलेगा एट द रेट 1.5% पर मंथ, यानी 6% सरकार आपको देगी, प्रोवाइडेड आप अपनी रिटर्न 139(1) की टाइम लिमिट में फाइल कर दें। और अगर आपने रिटर्न बिलेटेड करी तो आपने जिस डेट को रिटर्न भरी वहां से आपको ब्याज मिलेगा। तो ये भी एक ब्याज से रिलेटेड कॉन्सिक्वेंस आपके समक्ष मैंने रखा। अंत में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैंने स्लाइड के रूप में आपके सामने नहीं रखी पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कुछ लोग ये भी तो जानना चाहेंगे कि अनूप जी मान लीजिए आपकी सलाह पर मैंने एडवांस टैक्स पेमेंट करने का निश्चय किया
तो मोड क्या होगा, कैसे मैं पेमेंट करूं? सर, या तो आप कंसर्न बैंक में जहां आपका खाता है वहां संपर्क करेंगे, साहब मैं एक एडवांस टैक्स का चालान जमा कराना चाहता हूं, तो आपको वहां पर रिलेवेंट असेसमेंट ईयर फिलअप करना होगा। बहुत से लोग असेसमेंट ईयर फिलअप करने में गलती कर देते हैं, उसके प्रति सतर्क रहें। जैसे मैं पुनः बोलूंगा, यदि आप वित्त वर्ष 22-23 के लिए टैक्स दे रहे हैं तो चालान में आपको असेसमेंट ईयर 23-24 सेलेक्ट करना है। एक दूसरी बात ये सर कि आप उस चालान को ऑनलाइन भी एनएसडीएल की साइट पर जाकर के, ज्यादातर इंडिविजुअल के केस में अगर बात करूं तो ITNS 280 में एडवांस टैक्स और असेसमेंट ईयर सही सेलेक्ट करते हुए भी ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। सो आई होप एडवांस टैक्स पर ये जो एक संक्षिप्त चर्चा मैंने आपके साथ में करी, आपके लिए और आपके परिवारजनों मित्रों के लिए ये लाभकारी रहेगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।